तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों हमारी आज की कहानी दो ऐसे दोस्तों की है जो साथ में तो अब भी हैं, लेकिन एक थोड़ा डरा हुआ है। आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ वो तो हमें कहानी के बाद ही पता चलेगा। लेकिन कहानी सुनने से पहले मेरी आपसे एक गुजारिश है कि अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर ऑल पे कर लें। साथ ही अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियों को अपनी आवाज दूं, तो आप कहानियां सुनने के बाद मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। तो दोस्तों ज्यादा समय ना गवाते हुए जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाएं मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों मेरा नाम नीरज है, मैं दिल्ली का रहने वाला हूं। मेरे जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिससे मुझे बिल्कुल यकीन हो गया कि इस दुनिया में बुरी शक्तियों का भी वास होता है, उनकी भी एक अलग दुनिया होती है। खैर मैं जिन्नों पर बिल्कुल यकीन नहीं करता था क्योंकि मैंने सिर्फ इनकी कहानियां सुनी थी, इसीलिए मुझे तो इन पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। लेकिन जब ये घटना मेरे साथ घटी तब मैं एक स्कूल का स्टूडेंट था। ये घटना मेरे साथ आज से लगभग 8 साल पहले घटी थी। मैं पढ़ने के लिए जिस स्कूल में जाता था उस स्कूल का नाम स्वामी विवेकानंद स्कूल था। दोस्तों जैसा हमारे स्कूल का नाम था वैसा हमारे स्कूल का काम नहीं था, क्योंकि हम लोग शैतानी करते थे और हमारे अध्यापक भी कुछ खास नहीं थे। मैं रोज सुबह सुबह 8 बजे उठकर स्कूल के लिए रेडी होता था, फिर मैं स्कूल जाया करता था। दोस्तों जिस दिन घर वाले स्कूल के लिए मना करते तो मैं उसी दिन घर वालों से झगड़ा करके स्कूल जाने की जिद किया करता था। कहीं ना कहीं मेरे घर वालों को यही लगता था कि मैं पढ़ने के लिए कितना एक्साइटेड होता हूँ। लेकिन दोस्तों सच तो ये है कि मैं पढ़ने के लिए नहीं बल्कि मौज मस्ती करने के लिए स्कूल जाने की जिद किया करता था। उस वक्त मेरी उम्र तकरीबन 17 साल की होगी, तब मैं 12वीं क्लास में था। हालांकि उस वक्त मैं दिमागी और शारीरिक रूप से एकदम फिट हो चुका था। सही गलत में अब मैं भी फर्क समझ सकता था। इसी तरह मैंने भी एक दिन ये सुना कि हमारे स्कूल के पीछे वाले पेड़ पर जिन्नों का परिवार बसता है। दोस्तों पहले तो ये सुनकर मैं जोर जोर से हंसने लगा, जिस पर मेरे दोस्त दीपक ने कहा कि यार तू अक्सर इन सब को लेकर मजाक क्यों बनाता है। दीपक के मुंह से मैंने ऐसा सुनते ही दीपक से कहा कि यार तुमने कभी उनको देखा है क्या। मेरी इस बात पर दीपक ने मुझसे कहा कि तुझे मानना है तो मान, वरना मुझे कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों इसके कुछ ही देर बाद दीपक ने मुझसे कहा कि अगर तेरे अंदर हिम्मत है तो तू मुझे रात में वहां जाकर दिखा दे। दीपक की बातें सुनते ही मैंने उससे कहा कि यार मुझे डर नहीं लगता, और रही बात रात में जाने की तो मुझे मेरे घर वाले वैसे भी रात के अंदर घर से बाहर नहीं जाने देते। दोस्तों मैंने इतना ही कहा था कि तभी दीपक ने मुझसे कहा कि तू उसकी चिंता मत कर, मैं तुझे रात में बाहर निकलवा दूंगा, मैं ये बोलकर आऊंगा कि हमें प्रोजेक्ट करना है। इसके बाद तुझे हमारे स्कूल के पीछे वाले उसी पीपल के पेड़ के पास जाना होगा और प्रूफ के लिए एक फोटो खींच कर लाना पड़ेगा। दोस्तों मैंने दीपक की इतनी बातें सुनते ही अपनी बहादुरी को बयां करते हुए कहा कि मुझे भूतों से तो डर लगता है मगर ये जिन विन कुछ नहीं होते, ये सब तो बस कहने की बात होती है। मैंने दीपक को चैलेंज देते हुए कहा कि आज शाम को मैं तुझे उस पेड़ के पास जाकर अपनी फोटो निकालकर जरूर दिखाऊंगा। दोस्तों इन सब बातों के बाद हमारे स्कूल की छुट्टी हुई तो मैं सीधा घर के लिए रवाना हुआ। घर पहुंचकर जब मैंने अपना होमवर्क खत्म किया तो मुझे तुरंत दीपक का फोन आया। फोन पर दीपक ने मुझसे कहा कि अरे भाई तुझे चैलेंज तो याद है ना। इस पर मैंने दीपक को कहा कि मुझे सब याद है, तू मेरे घर शाम 7 बजे आना, तब मैं खाना भी खा लूंगा। ये सुनते ही दीपक ने कहा भाई एक बार फिर सोच ले, मजाक बहुत हो गया, क्योंकि मैं नहीं चाहता तेरी जिंदगी खतरे में पड़ जाए। इस पर मैंने उससे हंसते हुए कहा अरे डरपोक, डर लगता होगा तुझे, मुझे इनका ना तो डर लगता है और ना ही ये हमारी दुनिया में होते हैं, ये सब कहने की बात है, आज मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा। दोस्तों इसके बाद शाम को लगभग 6:30 बजे ही मैं खाना खाने लगा। तब जाकर मुझे खाते देख मेरी माँ ने मुझसे कहा कि बेटा आज इतनी जल्दी खाना क्यों खा रहे हो। जिस पर मैंने मम्मी से कहा कि अरे मम्मी आज घर पर दीपक आने वाला है, हमारा थोड़ा प्रोजेक्ट है इसीलिए हम लोग उसी के घर पर जाकर उसे पूरा करने वाले हैं। माँ ने मुझसे घर वापस कब लौटोगे कहा। मैंने माँ से कहा
कि मैं रात के 11 बजे से पहले आ जाऊंगा। माँ ने मुझसे तुरंत कहा कि तुम्हें इतनी लेट नहीं करनी चाहिए, तुम्हें थोड़ा जल्दी घर आ जाना चाहिए, क्योंकि रात में घर से बाहर निकलना कुछ ठीक नहीं है। दोस्तों, इस पर मैंने माँ से कहा कि अरे माँ, तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, वैसे भी रात में कोई भूत थोड़ी ना घूमते हैं। मेरा इतना कहते ही इस पर मेरी माँ ने मुझसे कहा, तू कुछ ऐसा ही समझ ले, ये गांव बिल्कुल ठीक नहीं है, तू जितना जल्दी हो सके घर पर आ जाना। दोस्तों, मैं भी उन्हें हाँ करते हुए घर से बाहर निकल गया। लगभग शाम को 7:30 बजे मेरा दोस्त दीपक मेरे घर पर आ पहुंचा। उसे देखकर मैं भी जोश जोश में दीपक के साथ जाने को तैयार हो चुका था। मैंने दीपक से कहा, अरे यार, अब चलना नहीं है, हमारे प्रोजेक्ट में लेट हो जाएगा। लेकिन दीपक ने मुस्कुराते हुए मुझसे कहा कि अरे हाँ यार, प्रोजेक्ट के अंदर लेट हो जाएगा, हमें थोड़ा जल्दी निकलना चाहिए। दोस्तों, इसके बाद मैं और दीपक दोनों बाइक पर बैठ गए। दीपक ड्राइव करने लगा। हम लोग बाइक पर बैठे बैठे ही आपस में बातें कर रहे थे कि तभी दीपक ने कहा कि यार, अभी भी तेरे पास मौका है, तू मान जा, अपना चैलेंज वापस ले ले, वरना पता नहीं कुछ भी गलत हो सकता है। उसकी इस बात पर मैंने उससे कहा कि तू चिंता मत कर, बस तू मेरे लिए पार्टी तैयार रखना। दोस्तों, दरअसल मेरे और दीपक के बीच में ये शर्त लगी थी कि अगर मैं रात को उस पेड़ के पास जाकर वापस लौट आया तो मुझे एक बहुत बड़ी पार्टी देगा। और दोस्तों, एक यही वजह थी कि मैं लगातार उस पीपल के पेड़ के नीचे जाने के लिए तरस रहा था, क्योंकि मुझे तो उससे पार्टी जो लेनी थी। दोस्तों, थोड़ी ही देर बाद बात करते करते मैं और दीपक दीपक के घर पहुंचे। घर पहुंचते ही दीपक ने मुझसे कहा कि भाई मान जा, वहां जाने की जिद छोड़ दे, और पार्टी तो मैं तुझे ऐसे भी दे सकता हूं। लेकिन दोस्तों, मैं कहां मानने वाला था, मुझे तो मौत को अपने पास जो बुलाना था। मैंने दीपक से कहा, अरे यार, ऐसे पार्टी में मजा नहीं आएगा, पार्टी में मजा तभी आएगा जब मैं अपना चैलेंज पूरा करके तुम्हें दिखाऊंगा। दोस्तों, दीपक समझ चुका था कि मैं अब नहीं मानने वाला। तब जाकर कहीं दीपक ने मुझे एक ब्लूटूथ दी और कहा कि इसे अपने कान में लगा ले, जिससे तू मुझसे कनेक्ट रहेगा। दीपक के घर से हमारा स्कूल कुछ ही दूरी आगे पड़ता था, इसीलिए मुझे बाइक लेकर जाने की जरूरत नहीं थी। मैंने बस ब्लूटूथ को कान में लगाया और सीधा आगे की तरफ बढ़ गया। जब मैं स्कूल की तरफ जा रहा था तो मुझे उस रास्ते पर काफी सन्नाटा और खामोशी ही नजर आ रही थी, क्योंकि इसके अलावा वहां कोई आदमी तो छोड़ो, दूर दूर तक कोई जानवर भी नहीं था। हालांकि इससे मुझे थोड़ा डर तो महसूस हो रहा था, लेकिन मैं अपने डर को दबाते हुए अपनी ही धुन में आगे बढ़ने लगा। अभी मैं कुछ दूर आगे ही गया था कि मुझे ऐसा लगा कि कोई हवा का झोंका आया और सीधा मेरे शरीर के आर पार हो गया। मुझे तो लगा कि शायद ऐसे कोई हवा का झोंका होगा। मैं धीरे धीरे लगातार आगे बढ़ने लगा और कुछ दूर चलने के बाद मुझे स्कूल के पीछे पीपल के पेड़ की कुछ शाखाएं नजर आने लगी। थोड़ी ही देर में मैं स्कूल के पास भी पहुंच गया। उस वक्त मेरा फोन दीपक के साथ जुड़ा हुआ था। मैंने दीपक को कहा कि देख, मैं स्कूल के पास आ गया हूँ। दीपक ने मुझसे कहा कि भाई, मेरी बात मान और वहीं से वापस मुड़ जा, वरना तेरे साथ कुछ भी गलत हो सकता है। दोस्तों, मैंने उसकी एक ना सुनी। मैं आखिरकार स्कूल के पीछे वाले पेड़ के पास पहुंच ही गया। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि चारों तरफ बस सन्नाटा पसरा था। मैं धीरे धीरे उस पेड़ के करीब जाने लगा, लेकिन एक बार फिर दीपक ने मुझसे कहा कि तू जहां है वहां से वापस मुड़ जा। उसने मुझे 2 या 3 बार कहा, लेकिन मैंने उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए कहा कि यार, तू कितना डरपोक है, अभी यहां पर तो मैं हूं और डर तुझे लग रहा है। तभी दीपक ने मुझसे कहा कि यार, तू मेरी बात मान ले, वहां से वापस मुड़कर जल्दी से घर आ जा। बात करते करते मैंने उससे कहा कि रुक, मैं तेरे लिए पीपल की एक शाखा तोड़कर लाता हूं। इतना सुनते ही दीपक ने मुझसे कहा, अरे नहीं, उसके पास मत जाना। पर मैं नहीं रुका, मैं पीपल के पेड़ के पास गया और उसकी एक शाखा तोड़कर जैसे ही घर की तरफ मुड़ने लगा, तभी मुझे पीछे से एक आवाज आई, अरे नीरज, हमारे परिवार को नहीं देखोगे? दोस्तों, ये सुनकर तो मुझे एक जोर का झटका लगा था, मेरे शरीर में एक बिजली सी रौंद गई थी। ये आवाज सुनकर जब मैं धीरे धीरे पीछे पलटा, और पीछे पलटकर जो मैंने नजारा देखा, उसे देखकर तो मेरे पसीने छूटने लगे थे। अब मैं डर के मारे कांपने लगा था, क्योंकि इस बार जो मैंने देखा वो बड़ा ही विचलित कर देने वाला था। मैंने देखा कि एक आदमी खड़ा था जिसके दो बड़े बड़े सींग थे, वो काफी लंबा और चौड़ा था।
उसे देखते ही मेरी तो जोरों से चीख निकल गई। फिर मैं हड़बड़ाहट के मारे नीचे जमीन पर गिर पड़ा। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं बस धीरे धीरे पीछे की तरफ खिसकने लगा। तभी उस दानव या जिन्न जो भी थे उसने मेरी तरफ अपना हाथ उठाया। उसका इशारा ये था कि अपने पीछे की तरफ देखो। जब मैं पीछे पलटा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि इस बार मैंने देखा कि उसके ही जैसे कई सारे जिन उस पीपल के पेड़ के नीचे आराम से बैठे हुए थे और ठीक उस पीपल के पेड़ के अंदर एक रोशनी सी झलक रही थी। अब मुझे ये तो पता चल चुका था कि रोशनी जिन्नात की दुनिया का दरवाज़ा है, जिससे ये लोग अपनी दुनिया में जाते और हमारी दुनिया में आ जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद उन सब जिन्न में से एक जिन सबसे बड़ा लग रहा था। वो मेरी तरफ बढ़ा और उसने मेरा एक पैर पकड़ लिया, जिससे मेरी सांसें एकदम थमने लगी। सच कहूँ तो ऐसा लगने लगा था कि ज़रूर मैं कोई सपना देख रहा हूँ। वो मुझे धीरे धीरे घसीटने लगा। उसने मुझे कुछ एक दो फीट ही घसीटा होगा कि तभी एक बाइक की रोशनी उसकी आंखों पर पड़ी, तो मैंने देखा कि उसकी आंखें चिलक रही थी। मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा था। मेरी कमर हल्की सी घिस चुकी थी, जिससे मेरे शरीर में चोट के निशान बन चुके थे। थोड़ी देर बाद जैसे ही उस बाइक की रोशनी और ज़्यादा तेज हुई तो वो जिन्न एकदम से कहीं गायब हो गया, और थोड़ी ही देर में वो बाइक मेरे पास आकर रुकी। मैंने मंदी आंखों से देखा कि उस बाइक के ऊपर दीपक ही था, जो मुझे बोल रहा था कि जल्दी बाइक पर बैठ जाओ। बस मैंने इतना ही सुना था कि मेरी आंखें एकदम से बंद हो गई। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं दीपक के घर पर था। उसने मेरे होश में आते ही बताया कि तू आखिरकार चिल्लाया क्यों, अगर तू ना चिल्लाता तो मैं तेरे पास तक नहीं आ पाता। खैर, शुक्र है तुझे कुछ नहीं हुआ। दीपक ने तो मुझसे सब कुछ कह दिया था, लेकिन जब मैंने दीपक को ये सारी बात बताई तो उसने मेरा हंसते हुए काफी मजाक उड़ाया। उसने मुझसे कहा कि फोन ऑन था, मैंने तो कुछ भी नहीं सुना। मैंने भी उसे कुछ ज्यादा बताने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो मैं ही था जो लगातार जिद कर रहा था। खैर, जो भी हो, अगर उस रात मेरा दोस्त दीपक समय पर नहीं पहुंचता तो शायद आज मेरा अस्तित्व भी ना बचता। तो दोस्तों, देखा आपने, इस कहानी से हमें सबसे पहले तो ये सीख लेनी चाहिए कि हमें कभी भी कोई भी गलत काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमारा मकसद किसी भी तरह से अंधविश्वास को बढ़ाना नहीं है, लेकिन कई बार ना चाहते हुए भी कुछ कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जिस पर यकीन कर पाना बेहद मुश्किल होता है। जैसे कि आपको भी बिल्कुल यकीन नहीं आया होगा, और हो सकता है कि शायद आप भी बिल्कुल सही सोच रहे हो। इस पर मैं कोई दावा नहीं करता, मैं तो बस आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि जितना हम सब इन सब चीजों से दूर रहेंगे उतना ही हम एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी, खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो। बाकी आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं तो आपको मिलता ही रहूंगा ऐसी ही रोमांच भरी कुछ खौफनाक कहानियों के साथ। तब तक आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। बाय बाय।